के पास स्वागत है आपका। झाबुआ में जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने किसान चौपाल लगाई और कर्ज माफी पर उनकी राय जानने की कोशिश की। किसानों की कर्ज माफी को लेकर कल से प्रक्रिया शुरू हो गई है। आदिवासी झाबुआ जिले के किसान इस योजना को लेकर क्या सोचते हैं और पूरी प्रक्रिया में उन्हें किस तरीके की परेशानी आ रही है, जानने के लिए हम पहुंचे हैं एक छोटे से गांव भवर पीपलिया में, जहां पर लगी हुई है एक चौपाल। आइए उन्हीं से जानते हैं कि क्या इस योजना को लेकर उनकी जानकारी है। कल से किसानों की कर्ज माफी की योजना शुरू हो गई है, क्या आपको कोई जानकारी है या आपको लग रहा है किस तरीके से ये योजना काम करने वाली है? अभी सर हमको कोई ये पता नहीं कि ये कर्जा माफ हो रहा है, ऐसा कान से सुन रहा है। बाकी हमको ये परिक्रमा नहीं मालूम कि भाई क्या कागजा कार्रवाई मांग रहे हैं, क्या कागजा, किसी ने कहा भी नहीं और किसी ने अभी बोला भी नहीं कि भाई तुम ये कागजा कार्रवाई करो, ये कागज लिख के हमको दो तो तुम्हारा कर्जा माफ हो जाएगा। अभी हमको कोई पता ही नहीं है और कोई अनुभव नहीं है हमको। क्या आपको क्या लगता है कि कैसे ये आगे योजना काम करने वाली है, क्या आपको लगता है पूरी हो पाएगी ये योजना? ये सरकार के ऊपर अगर पूरी कर दे तो हमको और आगे भी दूसरा लाभ चाहिए, जैसे मकान या कुआ गहरीकरण या कोई नया कुआ मिल जाए, तालाब गहरीकरण और वन विभाग में कोई नया तालाब बन जाए, ऐसा काम चाहिए। पानी मतलब उपलब्ध हो ना तो हम सिंचाई कर सकते हैं। पानी उपलब्धता को लेकर के मांग हुई है कि पानी उपलब्ध किया जाए, आपको लगता है कि सरकार आगे इन तमाम किसान को जो कर्ज माफी उसके साथ में ये कर पाएगी? किसान तो खेती के लिए तैयार है, पानी नहीं है तो इसलिए किसे तैयार करेगा वो? अगर तालाब अगर बन जाएगा तो किसान तैयार खेती करेगा और कर्ज माफ करेगा तो और उसको सपोर्ट मिलेगा सरकार को, नहीं तो अगर सपोर्ट नहीं करेगी तो सरकार गिर जाएगी। बराबर। किसानों को सपोर्ट पानी के साथ साथ में कर्ज माफी में भी चाहिए, कुछ और किसान है उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। दादा आप उम्र दराज हैं, आपको लगता है कि जो सरकार ने फैसला लिया किसानों के हित में है और वो काम कर पाएगा? हमारे गणित को सरकार ने पहले चलता था कर्ज माफ हो जाएगा ऐसा बोला था, बाकी कुछ कागज नहीं या कुछ किसी ने बताया नहीं। अगर कर्ज माफ हो जाएगा तो किसान लग क्या था जाएगा, और फिर कर्ज माफ होने के बाद हमको ना तो ये मकान दिया और गहरीकरण तालाब भी हो जाएगा, कुआ हो जाएगा तो किसान लोगों ने पानी की सुविधा हो जाएगा तो हमें उसके पानी मिल जाएगा तो हम कमाई खाएंगे। बाकी आज तक सरकार ने कुछ ये कर्ज माफ ऐसा बोला था, बाकी कुछ अभी तक कुछ नहीं किया। बिल्कुल सही बात है, किसानों को अब तक ये पता नहीं पड़ पाया है कि ये आखिर माफ कर्ज माफी होगी कैसे। कुछ युवा किसान भी हैं हमारे साथ में जो पढ़े लिखे होने के साथ में खेती किसानी के लिए अलग सोच के साथ में काम करते हैं। सरकार ने तय तो कर लिया कि कर्ज माफी होगी, जो अन्य सुविधाएं देने के भी वादे किए हैं, आपको लगता है कि ये पूरी जो सरकार की घोषणा है वो धरातल पर आ पाएगी? ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, अगर सरकार चाहे तो किसानों के साथ साथ युवाओं को रोजगार भी दे सकता है, उसके साथ में कुछ अन्य सुविधाएं हैं जो रोजगार युवा संबंधित होती है, कुछ काम है, कुछ नए नए रोजगार अगर सरकार दे तो उसके ऊपर करती है। अगर सरकार सभी अपने वादे और चुनावी घोषणा को पूरा करती है तो मान सकते हैं कि सरकार अपने कदम पे अगर सही सफल हुई है। जी, कर्ज माफी के साथ में युवाओं की खास मांग है कि रोजगार मिले। कुछ जनप्रतिनिधि भी हमारे साथ में हैं जो इस ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वे क्या मानते हैं कि सरकार की ये योजना कब तक और कहां तक धरातल पर पहुंच पाएगी। लगता है आपको किसानों को कर्ज माफी की प्रक्रिया तो शुरू हो गई, लेकिन क्या वो धरातल पर है? जी बिल्कुल है, अभी फिलहाल तो जैसे जहाँ तक सुना है वहाँ तक तो अभी सही है, लेकिन हमारा कहना है कि किसान भाइयों का जैसे जो भी फाल्ड है उनका कर्ज माफ हो रहा है सुना है, तो जो चालू खाते वाले हैं इनका है तो इनका भी होना चाहिए। एक तो मांग ये पहली है, मतलब किसान की जैसे जो फाल्ड है जो नहीं भर रहे हैं पहले से उनका कर्ज माफ हो रहा है, जो भर रहे हैं और आगे वो उनका कहना है कि हम सरकार से लाते कि हम निकालते वापस भरते, तो हमारा ये कहना है सरकार सबकी मांग है कि सभी का करो, जो भर रहे हैं और नहीं भर रहे, जैसे अभी जो चालू खाते वाले हैं उनका भी होना चाहिए माफ। ठीक है। जो डिफॉल्टर किसान हैं केवल उनका कर्ज माफ हुआ है, जो चालू खाते जिनका ऋण है उनका कर्ज माफी फिलहाल नहीं हो पाई, कुछ और लोग भी हैं हम बात करते हैं। क्या लगता है आपको कि किस तरीके से ये पूरी योजना धरातल पर काम करने वाली है? बस बोल रहा जी सर, ये तो
सबके हित में है और सबके समान रूप से जानना चाहते हैं कि अपना जो भी कार्य कृषि विभाग या किसान लोग सबका सामान्य सबका अधिकरण और प्राप्त होना चाहिए, सबका भला हो, हम यही चाहते हैं। और आदिवासी सबका किसानों को बेरोजगारी और भाइयों किसानों को सबको ऋण प्राप्त हो। देखिए बिल्कुल साफ है कि किसान चाहते हैं कि सरकार काम करे, कर्ज माफी से लेकर के दूसरी योजनाएं इन किसानों तक पहुंचे, लेकिन ये बात भी निकल करके सामने आई है कि सरकार की घोषणा के बाद में अब तक प्रक्रिया के बारे में किसी भी किसान को ज्यादा जानकारी नहीं है। किसानों की उम्मीद है कि वे जल्द से जल्द इस योजना का लाभ लें, लेकिन उन तक ये जानकारी पहुंचे कि आखिर ये होगा कैसे। कैमरा पर्सन मयंक भावसार के साथ सचिन जोशी, जी मीडिया, झाबुआ।